हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर ऑन पेज नंबर 12। ओके, टेक आउट पेज नंबर 12 इफ यू हैव द टेक्स्ट बुक्स एंड कॉन्सेंट्रेट। ओके, टुडेज टॉपिक इज रोलिंग स्लाइडिंग। रोलिंग का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, दिखाया हुआ है आपको, ये बॉल बच्चे ने ऊपर से फेंकी तो वो क्या हो रही है, रोल। तो इसे क्या बोलेंगे, रोलिंग। एंड हियर, यहाँ पे क्या, बच्ची ने एक बॉक्स फेंका है तो वो क्या हो रहा है, स्लाइड। ठीक है, आप भी गार्डन में जाते हो, स्लाइड्स को यूज करते हो ना, तो आप जो करते हो उसे क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग, राइट। जो गोल राउंड चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, रोल करती हैं, और जो फ्लैट चीजें होती हैं लाइक दिस बॉक्स, मतलब उनका नीचे का सरफेस फ्लैट होता है तो वो क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं। गॉट इट? ओके, चलो, टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल। अब इसमें से हमको ऐसे ऑब्जेक्ट्स टिक करने हैं जो रोल करें, ठीक है। तो ये पेंसिल, पेंसिल है तो ये अगर मैंने यहां से फेंकी तो वो रोल कर रही है, राइट। तो इसे हम टिक कर देंगे बिकॉज इट रोल्स। देन फुटबॉल, फुटबॉल तो ऑब्वियसली रोल तो करेगी बिकॉज इसका शेप राउंड होता है, तो इसे कर देते हैं टिक। ओके, अब ये बटर बॉक्स, तो बॉक्स रोल नहीं करता। ओके, बॉक्स क्या करता है, स्लाइड करता है। एंड हियर कम्स ओनियन, ओनियन भी राउंड होता है, राउंड शेप का होता है, तो उसको अगर हम फेंकेंगे तो वो क्या करेगा, रोल करेगा, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नाउ तो ओनियन क्या करता है, रोल, सो विल टिक दिस। ओके, सब लोग साथ ही साथ वैसे वैसे करते जाना जिस जिसके पास टेक्स्ट बुक है, ओके, अदरवाइज वॉच दिस एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नाउ टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल स्लाइड, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हमें टिक करना है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्लाइड करेंगे लाइक दिस बॉक्स, ऐसे स्लाइड करेंगे, रोल नहीं, स्लाइड बोला है, स्लाइड यानी कि फिसलेंगे, ठीक है। तो ये है काकड़ी, ओके, तो ये थोड़ा राउंड शेप की होती है तो ये तो स्लाइड नहीं करेगी जब हम इसे फेंकेंगे, और ये टोमेटो, ये भी राउंड शेप का है तो ये भी स्लाइड नहीं करेगा। ये क्या है, सूटकेस, तो ये स्लाइड करेगा, ठीक है, बिकॉज इसके सर्फेसिस कैसे हैं, साइड से ये कैसा है, फ्लैट है, राउंड नहीं है, तो ये क्या करेगा, स्लाइड। अब आ गई बैटरी, तो ये भी राउंड होती है, मतलब जैसे कि पेंसिल होती है, पेंसिल को मैंने ऐसे फेंका था, वैसे ही हम इसे बैटरी को भी फेंक सकते हैं, तो ये रोल करेगा, स्लाइड नहीं करेगा, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए। नाउ कम ऑन पेज नंबर 13। वाइस ग्रैंड मदर, क्या है स्टोरी का नाम, वाइस ग्रैंड मदर, यानी कि समझदार दादी माँ। चलो स्टोरी में क्या है, रीड करें। वंस देयर वॉज अ लैम्प, एक लैम्प था, लैम्प कौन होता है, शिप का बेबी, यंग वंस। तो वंस देयर वॉज अ लैम्प Going to see his grandmother. एक दिन एक लैम्ब अपनी दादी के पास जा रहा था उन्हें देखने के लिए। On the way through the jungle, he met a wolf. तो जब वो जा रहा था जंगल की तरफ से तो उसे कौन मिला, wolf. Wolf ने कहा I am going to eat you. तो wolf कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो लैम्ब कहता है प्लीज लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी वेन आई रिटर्न। तो लैम्ब बोलता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ को मिलने जा रहा हूँ, तुम मुझे जब मैं वापस आऊंगा तब खा सकते हो। तो वुल्फ ने कहा ओके यू मे गो, तो वो मान गया, उसने उसे जाने दिया।
When he was about to return, he told the grandmother about the wolf. तो जब लैम्ब अपनी दादी माँ से मिलकर वापस आने वाला था, तब उसने अपनी दादी माँ को पूरी कहानी बताई, वुल्फ के बारे में बताया. The grandmother gave him an idea. तो grandmother ने लैम्ब को एक आइडिया दिया. फिर दादी अम्मा बोली, Go and hide yourself in a ढोलक. कि तुम जाओ, लैम्ब को कहा कि तुम जाओ और इस ढोलक में छुप जाओ. He did so. लैम्ब ने वैसा ही किया. फिर क्या हुआ? The grandmother rolled the ढोलक on the road. तो दादी अम्मा ने, वो लैम्ब की दादी ने उस ढोलक को रोड पर रोल किया, मतलब कि उसको वहां से धक्का दिया. तो ढोलक तो गोल होता है, तो वो ढोलक क्या करने लग गया? रोल. तो वो रोल करते करते रोड से पास हो रहा है. द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन. तो ढोलक ने रोलिंग करना स्टार्ट कर दिया. फिर क्या हुआ? द लैम्ब सॉ द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम. तो लैम्ब ने वुल्फ को देखा, वो उसका इंतजार कर रहा था वहीं पर. तो वुल्फ ने फिर पूछा, डिड यू सी अ लैम्ब कमिंग दिस वे. वुल्फ ने ढोलक से पूछा कि तुमने इस तरफ किसी लैम्ब को आते हुए देखा? तो ढोलक ने जवाब दिया, नो. फिर क्या हुआ? द वुल्फ ग्रू सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक. तो अभी ढोलक ने उसको जवाब दिया तो उसको कुछ गड़बड़ लगी, तो वो ढोलक के पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देता है. बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम द लैम्ब रीच्ड होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर. तो इससे पहले कि वुल्फ लैम्ब को पकड़ता, लैम्ब अपने घर पहुंच गया और अपनी दादी अम्मा का शुक्रगुजार हुआ. उसने मन ही मन अपनी दादी अम्मा को थैंक कहा. तो आप समझे, इस रोलिंग ढोलक से लैम्ब को कितना फायदा हुआ? वो एक वुल्फ से बच गया. चलिए अब आ जाइए पेज नंबर 15 पर. बहुत ही इजी है. टॉपिक क्या है? शेप्स. यहाँ पे हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? मैच द शेप्स ऑफ सेम साइजेस. हमें क्या करना है? सेम साइज के शेप्स को मैच करना है. सो सिंपल, राइट? तो इस शेप के सेम टू सेम कौन सा है? ये वाला. सेम साइज है ना? ओके. देन ये वाले शेप का इसके साथ मैच कर दिया. अब ये शेप और ये शेप मैच कर दिए. देन दिस स्मॉल वन विद दिस स्मॉल वन. गॉट इट? है ना इजी?